पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस और पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दरअसल पीटीआई पार्टी ने रविवार को इमरान खान की रिहाई के लिए समर्थन जुटाने के लिए रैली कर रही थी, जो कि पिछले अगस्त 2023 से जेल में बंद है। फिलहाल रैली खत्म हो गई। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक पीटीआई नेताओं ने रविवार को इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में रैली निकाली थी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने संस्थापक इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग की। इसके साथ ही पार्टी को हाशिए पर डालने के लिए पाकिस्तान सरकार की जमकर आलोचना की। इस दौरान पाकिस्तान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रैली के अंत में पीटीआई समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश। पुलिस के अनुसार लोकल प्रशासन ने रैली के लिए एक समय सीमा तय की थी, लेकिन जब समय की सीमा पार हो गई तो पुलिस को समर्थकों को तितर बितर करने का प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण झड़पें हुई और अंततः आंसू गैस के गोले दागे गए। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि समय सीमा पार करके रैली आयोजकों ने पार्टी को जारी एनओसी में दिए नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इस्लामाबाद डीसी ने पुलिस को उपस्थित लोगों को तितर बितर करने का आदेश दिया। पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। 8 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार पीटीआई रैली तय कार्यक्रम का समय था शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिसूचना में कहा गया कि रैली आयोजकों को शाम 6 बजे समय के बारे में सूचित किया गया था। पीटीआई पार्टी रविवार को इमरान खान की रिहाई के लिए समर्थन जुटाने की रैली कर रही थी, जो पिछले अगस्त से जेल में बंद है। इद्दत मामले में उसकी सजा के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार किए जाने के बाद इमरान के जेल से रिहा होने की उम्मीद थी। जिला प्रशासन ने इस हफ्ते शुरुआत में ही इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में सार्वजनिक सभा के लिए एनओसी जारी की थी। इस शर्त के साथ था कि सुरक्षा स्थिति के मामले में अनुमति किसी भी समय रद्द की जा सकती। चूंकि ये रैली स्थल संगजानी के पास पासवाल रोड पर स्थित 350 कनाल का कैंपस है, जो कि पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में। पीटीआई नेताओं का कहना है कि जब पार्टी रैली के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी, तो पुलिस ने राजनीतिक सभा के मद्देनजर मध्यम स्तर के आतंकवादी खतरे की खुफिया रिपोर्टों के बीच शहर के लगभग सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया था। पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच चोंगी नंबर 26 में झड़प हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर पत्थरबाजी की। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेफ्टी शोएब खान सहित कई पुलिसकर्मी इस झड़प में घायल हो गए। इस बीच रैली क्षेत्र से पार्टी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस की गोलीबारी की गई। इस मामले में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने झड़पों का संज्ञान लिया। इसके साथ ही इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है। ये रैली पहले जुलाई और बाद में अगस्त में आयोजित होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा जोखिम और अशांति की आशंका का हवाला देते हुए अधिकारियों द्वारा अनुमति रद्द कर दिए जाने के बाद इसे 2 बार स्थगित किया गया था। पिछले कई महीनों से पीटीआई राजधानी में एक सार्वजनिक बैठक के लिए मंजूरी लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। जब जिला प्रशासन से कोई जवाब नहीं आया, तो मार्च 2024 में पार्टी ने परमिशन के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इन तमाम प्रयासों के बाद जब रैली करने का अवसर दिया गया, तो उसके बाद हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।